दोस्तों, क्या आपका बजट है 10,000 रुपये का और आप खरीदना चाहते हैं एक स्मार्टफोन और वो भी एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर? तो काफ़ी सारी चॉइसेस आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं आपको बताऊंगा वो स्मार्टफोन जो आप 10,000 रुपये के अंदर खरीद सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आज तक के सबसे बेस्ट स्मार्टफोन मैंने इस लिस्ट के अंदर लगा लिए हैं, तो आपको निश्चिंत हो जाइए, आपको ज़रूरत नहीं है इसके बाहर कहीं जाने की। ये मेरी श्योरिटी है कि आपको मिलेंगे 10,000 के बेस्ट फ़ोन इसी वीडियो के अंदर। तो बिना वक्त गवाए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, हो सकता है कि टॉप थ्री की जो पोजिशंस हैं, मतलब कि लास्ट की जो टॉप थ्री जो फ़ोन्स हैं, वो आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जिस फोन के साथ मैं शुरुआत करूंगा वह है मोटो का G5। जी हाँ, मोटो के G5 के अंदर आपको मिलेगा लगभग ये 144 ग्राम का ये फ़ोन है और इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 430 का प्रोसेसर मिलने वाला है। 3 GB की इसके अंदर आपको रैम मिलेगी और 16 GB की इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी। 2800 mAh की बैटरी है इसके अंदर। 13 MP का आपको रियर कैमरा मिलेगा और 5 MP का इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। 5 इंचज की आपको फुल HD स्क्रीन मिलने वाली है और फिंगरप्रिंट रीडर इसके अंदर आपको मिल जाएगा। एल्यूमिनियम की इसके अंदर बॉडी है तो आपको काफ़ी अच्छा फील मिलने वाला है। मोटो का इसके साथ ब्रांड है तो लुक एंड फील काफ़ी अच्छी है फ़ोन की और आप प्रीमियम लुक आपको ये देता है। अगर कौन की बात करूँ, ये तो बैटरी बैकअप थोड़ा सा आपको कम मिलेगा क्योंकि 2800 mAh की इसके अंदर बैटरी है। दूसरा, इसके अंदर आपको NFC सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। बाकी अगर आप ब्रांड की तरफ थोड़ा ब्रांड कॉन्शियस है तो आप मोटोरोला की तरफ ज़रूर जाइएगा, आपको ये एक अच्छा फील देगा। इससे अगले फ़ोन की अगर बात करूँ तो आपको Redmi Y1, ये ऑप्शन आपको Redmi की तरफ से मिल जाएगा और ये एक सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन है। इस अगर आप कैमरा आप फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छा चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको निराश नहीं करेगा। इस फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छा कैमरा है। बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसके अंदर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 1.4 GHz वाला 435 प्रोसेसर। 3 GB की इसके अंदर आपको रैम मिलेगी और 32 GB की स्टोरेज मिलेगी। दोस्तों, ये मॉडल जो है 8,999 रुपये की बात कर रहा हूँ क्योंकि 10,000 से नीचे है। अगर आप 10,999 वाले मिडिल मॉडल में आप जाएंगे तो उसके अंदर आपको 4 GB रैम और 64 GB का वेरिएंट मिल जाएगा। बात करता हूँ बाकी कॉन्फ़िगरेशन की। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको एक रियर कैमरा मिलता है 13 MP का जिसका 2.0 का अपर्चर है। साथ में आपको मिलेगा 16 MP का सेल्फी कैमरा। 5.5 इंचज की इसके अंदर आपको स्क्रीन मिलने वाली है। अगर इसकी प्रोज की बात करूँ तो इसके अंदर आपको काफी अच्छा इसके अंदर आपको कैमरा मिलने वाला है, MIUI 9 मिलने वाला है, तो दोनों चीजें काफी आपको एक अच्छी एक्सपीरियंस आपको देगी। लेकिन अगर कॉन्स की बात करूँ, इसकी जो बैटरी है वो रेडमी के और फोनों के मुकाबले थोड़ी सी कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया 3080 mAh की बैटरी है। नॉर्मली रेडमी के फोन के अंदर आपको 4,4100 mAh की बैटरी मिल जाती है, बट जैसा कि MI बोलता है कि MIUI 9 की वजह से इसकी बैटरी काफी स्टेबल रहेगी, मतलब काफी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो अगर आप एक अच्छे ब्रांड के साथ, क्योंकि अब MI भी एक अच्छे ब्रांड में ही आता है, एक अच्छे ब्रांड के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन, एक अच्छा कैमरे वाला फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं। अगला फ़ोन जो है वो हमारा आता है लेनोवो का K6 Power। लेनोवो के K6 Power के अंदर आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 430 प्रोसेसर। इसके अंदर आपको 1.4 GHz की फ्रिक्वेंसी मिलती है। 3 GB की इसके अंदर आपको रैम मिलेगी और 32 GB की इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी। जो रियर कैमरा है वो 13 MP का रहेगा और सेल्फी कैमरा जो है वो आपको 8 MP का मिलने वाला है। 5 इंचज की फुल HD स्क्रीन इसके अंदर आपको मिलने वाली है और 4000 mAh की दमदार इसके अंदर आपको बैटरी मिलने वाली है। दोस्तों, ये फ़ोन आपको 8,000 की रेंज में मिल जाएगा, लगभग 8,000 का मिल जाएगा। और टाटा क्लिक एक वेबसाइट है, उसके अंदर आपको मैंने देखा था कि लगभग 7,800 7,700 की रेंज में आपको मिल रहा था। फ्लिपकार्ट 8,099 रुपये का मिल रहा था, तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि कौन सी वेबसाइट पे बेटर प्राइस आपको मिल रहा है। तो नियर बाई 8,000 में आपको एक बेटर डील मिल जाएगी लेनोवो की तरफ से। दोस्तों, अगले अगर फ़ोन की बात करूँ तो ये वन ऑफ माई फेवरेट है, ये है ऑनर का 9 Lite। 10,000 की रेंज में हमारा जो काउंट डाउन है उसके अंदर ये अकेला ऐसा फ़ोन है जिसके अंदर फ्रंट और रियर में दोनों में आपको ड्यूल कैमरा मिलता है। जी हाँ, दोनों में ड्यूल कैमरा आपको मिलता है और बुके इफेक्ट भी आप ले सकते हैं। बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसके अंदर आपको क्रीन का 659 का प्रोसेसर मिलेगा। 3 GB के अंदर आपको रैम मिलेगी, 32 GB की स्टोरेज मिलेगी जिसे आप 256 GB तक बढ़ा सकते हैं। 5.65 इंचज की फुल HD स्क्रीन मिलने वाली है जिसका पिक्सल रेशो रहेगा 2160x1080। ये 18:9 के एस्पेक्ट रेशो के अंदर मिलता है। साथ ही आपको मिलेगा 13 MP प्लस 2 MP का रियर कैमरा और 13 MP प्लस 2 MP का ही सेल्फी कैमरा। तो दोनों ही कैमरे दमदार हैं, दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। 3000 mAh के अंदर आपको बैटरी मिलेगी और 2.5D का कर्व आपको ग्लास मिलने वाला है। अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो देखने में बहुत ही प्रीमियम लुक ही आपको देने वाला है। ऑनर के फोन्स की जो है बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है और दिखने में काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं और इनकी कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। 18
18:9 का इसके अंदर एस्पेक्ट रेशियो है। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है, बाकी फोन जो है काफी प्रीमियम और काफी अच्छी एक वैल्यू फॉर मनी आपको देता है। बात करता हूं नंबर दो की। नंबर दो पे आता है शाओमी का रेडमी नोट 5। जी हाँ, जिस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ वो है 9999 रुपए का 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला है। इसके अंदर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर, जिसके साथ आपको मिलेगा एड्रेनो का 506 का CPU। और एक जो मुझे निराशा रही वो ये रही, इसी वजह से नंबर दो पे है 10,000 की रेंज के अंदर। 4 के अंदर भी 625 का प्रोसेसर था और रेडमी नोट 5 के अंदर भी 625 का प्रोसेसर है, तो उन्होंने खास अपग्रेड नहीं करा है। और इसके साथ आपको मिलता है 5.99 इंचेस का फुल HD स्क्रीन, 18:9 का इसका एस्पेक्ट रेशियो है। साथ ही आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा 2.2 अपर्चर के साथ और 5 मेगापिक्सल का इसका आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। अगर दोस्तों प्रोस की बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आपको 18:9 का इसके अंदर एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। फ़ोन की क्वालिटी भी ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं एक एज मुझे इसके अंदर नहीं नज़र आता है, इसीलिए नंबर 2 पे है। प्रोस की अगर बात करूँ तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा, 4000 mAh की आपको बैटरी मिलने वाली है, तो इस फ़ोन के लिए भी आप जा सकते हैं। और नंबर 1 की अब मैं बात करता हूँ, नंबर 1 वो फ़ोन क्यों है इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों नंबर 1 पे जो फ़ोन है वो है 10OG, 9999 रुपए के अंदर आपको मिलता है। इसके अंदर आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 626 का प्रोसेसर, वो भी 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे, प्योर मेटल की इसकी बॉडी है और एड्रेनो का 506 का आपको इसके अंदर GPU मिलने वाला है। 4GB की इसके अंदर आपको रैम मिलेगी और 64GB की आपको इसके अंदर स्टोरेज मिलने वाली है, जिसको आप 128GB तक बढ़ा सकते हैं। 4000 mAh की दमदार बैटरी मिलेगी और इसके अंदर आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विद LED फ्लैश और 13 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा, यानी कि आपको जो रियर कैमरा है वो आपको ड्यूल कैमरा मिलने वाला है, वो भी 13 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का। फिंगरप्रिंट रीडर इसके अंदर आपको मिलेगा, 5.5 इंचेस की फुल HD स्क्रीन मिलने वाली है, 1920x1080 का एस्पेक्ट रेशियो, 2.5D का कर्व ग्लास इसके अंदर आपको मिलेगा और गोरिल्ला ग्लास का इसके अंदर प्रोटेक्शन आपको मिलने वाला है, गोरिल्ला ग्लास 3 का। ड्यूल स्पीकर आपको मिलेंगे ताकि आपकी गेमिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहे। प्योर एंड्रॉयड का इसके अंदर आपको नोगट 7.1.2 का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं ओरियो के अंदर। आपकी नॉर्मल जो सेंसर्स है वो इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। ग्रे और ब्लैक इसके अंदर दो वेरियंट आते हैं, तो उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं अपना मनपसंद कलर। दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे इस फोन को रेडमी के नोट 5 से तो डेफिनेटली ये एज लेके जाता है, उससे ऊपर जाता है, इसीलिए मैंने रखा है इसको नंबर 1 पे। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो जरूर इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये थे मेरी चॉइसेस जो 10,000 की रेंज में आप ले सकते हैं। इसके अलावा जल्दी ही मेरे और वीडियो आने वाले हैं, जिसके अंदर मैं और रेंज के फोन के बारे में आपसे जरूर बात करूंगा। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।